कश्मीर का सवाल ये बार बार हमारे सामने आता है। कई लोग ऐसे बताने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर का भी सवाल एक हिंदू मुसलमान का सवाल है, मुस्लिम अलगाववादी होते हैं, इसलिए कश्मीर में आतंकवाद है। इस सब को अगर हमें समझना है तो थोड़ा हमें आज़ादी के समय की ओर जाना पड़ेगा। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में सैकड़ों रियासतें थीं। ये ज़्यादातर रियासतों को कहा गया कि आप या तो भारत में मिलिए या पाकिस्तान में मिलिए, या अगर आप चाहें तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो ज़्यादातर रियासतों ने अपना फैसला कर लिया और वो भारत या पाकिस्तान में मिल गए। दो तीन रियासतों का मुद्दा रह गया। एक थी हैदराबाद, जिसमें ज़्यादा प्रजा हिंदू और राजा मुसलमान। हैदराबाद में उस समय भारत सरकार ने मिलिट्री एक्शन को भेजकर हैदराबाद को भारत में मिला लिया। दूसरा सवाल था कश्मीर का। कश्मीर की ज़्यादा प्रजा मुसलमान, कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह वो हिंदू। ऐसे मौके पर पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए। महाराजा हरि सिंह ने यह फैसला किया कि वो न पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं न हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कश्मीर को विकसित करना चाहते थे। पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में अपनी फ़ौज को भेजा और ये फ़ौज ने जब कश्मीर पे आक्रमण किया तो कश्मीर के राजा हरि सिंह उस समय डर गए। उसी समय कश्मीर में एक जन आंदोलन था, एक जन पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके नेता का नाम था शेख अब्दुल्ला। पाकिस्तान के कबायलियों द्वारा इस प्रकार के आक्रमण के बाद राजा हरि सिंह ने अपने दूत को भारत सरकार के पास भेजा और निवेदन किया कि वे पाकिस्तानी फौज को हराने के लिए भारत की फौज भेजें। भारत के सामने जब यह प्रस्ताव आया तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कश्मीर तो एक स्वतंत्र राज्य है, एक स्वतंत्र राज्य में हम अपनी आर्मी को कैसे भेज सकते हैं। जब ये बात कही गई तो शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू को निवेदन किया कि हम पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते, कैसे भी करके हमें आप फौज भेजिए जिससे हम पाकिस्तान में न मिलें। कश्मीर के राजा और भारत की सरकार के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता ये था कि कश्मीर भारत के साथ मिलेगा पर पूरा इसमें विलय नहीं होगा, कश्मीर को स्वायत्तता ऑटोनॉमी दी जाएगी। और ऐसा फैसला किया गया कि सारी जो कश्मीर के मुद्दे हैं वो कश्मीर की असेंबली देखेगी, चार मुद्दों को छोड़कर। ये चार मुद्दे जो भारत सरकार देखने वाली थी वो ये थे: सुरक्षा विदेश विभाग, करेंसी और कम्युनिकेशन ये दिल्ली सरकार देखेगी, और बाकी सब के लिए कश्मीर को पूरी तौर से स्वायत्तता होगी। जब कश्मीर भारत में मिला तो उस समय शर्त ये थी कि कश्मीर के अंदर भी प्रधानमंत्री होगा, भारत का भी प्रधानमंत्री होगा, कश्मीर का सदर रियासत होगा, भारत का प्रेसिडेंट होगा, कश्मीर का अपना संविधान होगा, भारत का अपना संविधान होगा। इस शर्त पर भारत की फौज कश्मीर में गई और उसने दो तिहाई हिस्से को पार करके पाकिस्तान की फौज को रोका। तो अब दो तिहाई कश्मीर भारत में आ गया, एक तिहाई कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला गया। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सरकार को सलाह दी कि हम ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में ले जाएंगे। मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में ले जाया गया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि कश्मीर का भारत में विलय या पाकिस्तान में जाना, इसके पहले जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। जनमत संग्रह के लिए जो आधार था वो ये था कि जनमत संग्रह यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में होगा और उसके पहले पाकिस्तान और भारत की फौज कश्मीर को खाली कर देंगे। कश्मीर के लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, चुनाव दिया जाएगा कि आप अपनी राय जाहिर कीजिए, आपको पाकिस्तान में मिलना है, भारत में मिलना है या स्वतंत्र रहना है। पर चूंकि जनमत संग्रह के पहले पाकिस्तान और भारत की फौज को कश्मीर खाली करना था, इन दोनों फौजों ने, इन दोनों सरकारों ने वहां से फौज वापस निकालने के लिए इनकार कर दिया और कश्मीर में कभी भी जनमत संग्रह नहीं हो पाया। इसके बाद जब कश्मीर का दो तिहाई हिस्सा भारत के साथ आ गया आर्टिकल 370 को लेकर,
तो उसके बाद भारत के अंदर के सांप्रदायिक तत्वों ने सरकार पर दबाव लाना शुरू किया कि आप कश्मीर की स्वायत्तता, कश्मीर की ऑटोनॉमी को खत्म करो। ये जब बात भारत सरकार से उठने लग गई तो शेख अब्दुल्ला, जो कश्मीर के प्रधानमंत्री चुनकर आए थे, उन्हें लगा कि भारत कश्मीर की स्वायत्तता को खत्म करेगा। इस आधार पर उन्होंने चाइना, अमेरिका से बातचीत शुरू की, और जब उन्होंने ये बातचीत शुरू की, भारत सरकार ने उनको 17 साल के लिए जेल में डाल दिया। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के चुने हुए प्रधानमंत्री थे, और एक चुने हुए प्रधानमंत्री को जेल में डालने के बाद वहाँ के लोगों में एक प्रकार का असंतोष पैदा हुआ। यही असंतोष बाद में धीरे धीरे परिवर्तित होकर अलगाववाद के रूप में बदलने लगा, तो उसका फायदा पाकिस्तान ने भी उठाया। इन लोगों ने इस असंतोष को और हवा दी ताकि ये इसमें से एक प्रकार का अलगाववाद और मजबूत हो। इसी बीच लगातार भारत सरकार ने कश्मीर में कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिए, और इस कारण कश्मीर की जनता को और भी असंतुष्ट होना पड़ा। 1980 के दशक के बाद जो अलकायदा के लोग अफगानिस्तान में थे, अफगानिस्तान से कुछ अलकायदा के लोग कश्मीर में आ गए, कुछ पाकिस्तान के ट्रेंड मिलिटेंट्स आतंकवादी वो कश्मीर में आ गए, और कश्मीर के अंदर एक बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा हो गई। 3 प्रकार के आतंकवादी कश्मीर के अंदर के बने हुए, अलकायदा से आए हुए और पाकिस्तान से आए हुए, और इसी के साथ भारत की फौज का बढ़ना भी वहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में होता रहा। तो इस परिस्थिति में अलगाववाद ने आतंकवाद का रूप लेना चालू कर दिया। कश्मीरियत, ये जो कश्मीर की सभ्यता है, ये कश्मीरियत 3 सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहला वेदांत, दूसरा सूफी संतों के शिक्षा, और तीसरा बुद्ध धर्म के सिद्धांत। ये तीनों को मिला जुला कर कश्मीरियत की बात बनती है। पर 1980 के दशक में जब वहाँ आतंकवाद बढ़ने लग गया, तो आतंकवाद ने वहाँ के कश्मीरी पंडितों को काफ़ी परेशान किया, और इससे डरकर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की घाटी छोड़कर जम्मू और दूसरे प्रांतों में आना पड़ा। जैसे कश्मीरी पंडितों ने बड़ी संख्या में घाटी को छोड़ा, वैसे ही बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी घाटी को छोड़ा, क्योंकि वहाँ की असुरक्षा बहुत बढ़ गई। ये जो परिवर्तन हुए, इसके कारण आतंकवाद बहुत बढ़ा, कश्मीरी पंडितों को बहुत तकलीफ हुई, और इसी के साथ भारत ने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फौजों को वहाँ भेजना चालू कर दिया। तो कश्मीर की जनता 2 प्रकार से परेशान, एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ भारतीय आर्मी द्वारा एक प्रकार से दूसरी परिस्थिति का निर्माण। अब इसी बीच जब धीरे धीरे परिस्थिति सुधरने लग गई, तो लोगों के बीच में आशा जगने लग गई, और ये आशा का निर्माण हुआ जब चुनावों को स्वतंत्र रूप से कराया गया 2002 में, और उसके बाद से जो परिस्थिति में आशावाद दिख रहा था, ये तब खराब हुआ जब बीजेपी द्वारा नियुक्त वहाँ के गवर्नर बीके सिन्हा ने अमरनाथ के मुद्दे को एक सांप्रदायिक मोड़ दिया। जो अमरनाथ की यात्रा स्थानीय मुसलमानों के द्वारा संयोजित की जाती थी, उन्होंने स्थानीय मुसलमानों के हाथ से लेकर श्राइन बोर्ड बना दिया, और फिर उस जगह की जंगल की जमीन जो कानून के हिसाब से किसी को नहीं दी जा सकती, उस जंगल की जमीन को उन्होंने श्राइन बोर्ड के नाम पे हस्तांतरित कर दिया, और यहीं से कश्मीर की जनता में एक प्रकार से फिर से निराशा और हताशा आई। ये निश्चित रूप से बीके सिन्हा द्वारा की गई एक शैतानी थी, जिसके कारण कश्मीर का सुलझता हुआ सवाल आज फिर से उलझ गया है। लोगों में पहले से एक असंतोष था, और इस अमरनाथ विवाद के कारण वो असंतोष को एक और हवा मिली है। अगर हम कश्मीर के लोगों को अपनी आज़ादी से जीने की दें, और हमने आज़ादी के समय पर जो आर्टिकल 370 और स्वायत्तता के नियम रखे थे, उन नियमों को हम लाएं, तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की समस्या आसानी से हल की जा सकती है।